How are you? I'm Shalini Sharma in front of you. Let's start our Broom, Yaten and Jagus contingency model. तो ये हमारा last हो रहा है. Contingency model के अंदर हमने किए हैं trait theory, great man theory, balance theory और उसके बाद harsh किया है. और अब हमारा ये last है Broom, Yaten का. तो ये contingency model आज हमारा finish हो जाएगा. उसके बाद हमारी next theories जो भी बची हैं वो हम फिनिश कर देंगे. तो फर्स्ट ब्रूम, याटन एंड जैगोस कंटिंजेंसी मॉडल. सबसे पहले इसको 1973 के अंदर ब्रूम और याटन ने दिया था. विक्टर ब्रूम एंड फिलिप याटन ने, इन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी जिस बुक का नाम है लीडरशिप एंड डिसीजन मेकिंग. उसको बाद में मॉडिफाइड किया गया जागो और ब्रूम के द्वारा. उसके उसमें याटन नहीं थे. पहले ब्रूम और याटन ने किया, उसके बाद ब्रूम और जागो ने किया. समझ आ गया है कि ये इसकी स्टार्टिंग कैसे हुई थी. लेकिन हम जो स्टडी कर रहे हैं वो ब्रूम और याटन की स्टडी कर रहे हैं. ओके, तो इसके अंदर था क्या मेन, ये किस लिए की गई. देखिए, जो भी डिसीजंस लेने होते हैं एक लीडर जो है उसके पास बहुत सारे अल्टरनेट्स होते हैं. उन अल्टरनेट्स में से उसके पास बेस्ट डिसीजन उसको लेना है. अब वो डिसीजन वो इंडिविजुअलिस्टिक लेगा या वो ग्रुप के अंदर लेगा, सबॉर्डिनेट की हेल्प से लेगा, किस तरह से लेना है वो उसके लिए सबसे बड़ा मेन पॉइंट होता है. तो यहाँ पे जो ब्रूम और जो याटन है उन्होंने इसी के बारे में डिस्कस किया है कि आप किस तरह से कौन सा लीडरशिप स्टाइल को आइडेंटिफाई करो जिससे आपके पास बेस्ट डिसीजन बने. इट मे बी ग्रुप में, इट मे बी इंडिविजुअलिस्टिक. क्लियर है बच्चे? तो डिसाइड टू आइडेंटिफाई बेस्ट डिसीजन मेकिंग अप्रोच एंड लीडरशिप स्टाइल टू टेक बेस्ड ऑन करंट सिचुएशन. अब ये मेन पॉइंट है करंट सिचुएशन, कि जो हमारी आज की सिचुएशन है, इट मे बी ऑर्गेनाइजेशन की, आपके फॉलोअर्स हैं, आपकी करंट लीडर की सिचुएशन है, कोई भी सिचुएशन जो आपकी है उसको ध्यान में रखते हुए और लीडरशिप स्टाइल्स को ध्यान में रखते हुए आप बेस्ट डिसीजन लेते हो. मेन यही इसके अंदर शो किया गया है, इसीलिए इस मॉडल को डिजाइन किया गया था. क्लियर है? तो आइडेंटिफाई करना है बेस्ट डिसीजन मेकिंग अप्रोच ऑन द बेस्ड ऑफ लीडरशिप स्टाइल एंड करंट सिचुएशन. जब ये करंट सिचुएशंस पे है तो इसको हम एक सिचुएशनल अप्रोच भी बोल सकते हैं. तो यस, इट इज ए सिचुएशन बेस्ड मॉडल. क्लियर है? नेक्स्ट वन है, इसके अंदर बोलते हैं कि अलाउ टू ब्रिंग कंसिस्टेंसी और ऑर्डर टू ए प्रोसेस दैट माइट अदरवाइज फील इंडिविजुअलिस्टिक एंड इंस्टिंक्टिव. का मतलब आप यही बोल सकते हो कि विद द हेल्प ऑफ सबॉर्डिनेट्स ग्रुप्स के अंदर. मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि आप यहाँ पे इंडिविजुअल भी ले सकते हो और ग्रुप के सबॉर्डिनेट की हेल्प से भी डिसीजन ले सकते हो, बट उसके अंदर कंसिस्टेंसी होनी चाहिए कि आपको एक वे जो फिक्स है, सबसे इफेक्टिव स्टाइल है, इफेक्टिव डिसीजन है, वही डिसीजन लेना है. तो इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट वे हैं. अब देखिए, आपने ये डिसीजन लेना है, इस डिसीजन के लिए आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं. अब इन डिफरेंट ऑप्शंस में से आपको लीडर को एक बेस्ट डिसीजन लेना है. उस इफेक्टिव डिसीजन को सेटअप करने के लिए ब्रूम, याटन एंड जैगोस मॉडल बनाया गया. क्लियर हो गए बच्चे? तो ये थे हमारे कुछ सिंपल से पॉइंट्स कि क्या है ब्रूम, याटन और जैगो का मॉडल. अब आपको समझ आ गया कि ये सिचुएशन बेस्ड है, ये हमारी करंट सिचुएशन और लीडरशिप स्टाइल को देख के जो भी हमने बेस्ट डिसीजन लेना है वही डिजाइन करने के लिए हमने ब्रूम, याटन एंड जैगो मॉडल को बनाया. अब जो डिसीजन लेते हैं वो हमारे थ्री फैक्टर्स पे बेस्ड है. फर्स्ट वन है क्वालिटी ऑफ डिसीजन, कि डिसीजन की क्वालिटी कैसी है. क्वालिटी का मतलब कि अगर आपके पास एडिक्वेट रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज क्या हैं आपके पास जिससे आपके डिसीजन की क्वालिटी को बेस्ट माना जाए. अब रिसोर्सेज क्या हो सकते हैं, कि जहां से आपने जो इंफॉर्मेशन गेट की है पीपल से कर सकते हो, कौन सा टाइम है, इंफॉर्मेशन क्या है. तो ये जो है ये क्या हो गए, रिसोर्सेज हो गए हैं. तो रिसोर्सेज के ऊपर आप यहाँ पे क्वालिटी ऑफ डिसीजन के अंदर यहाँ पे लिख लीजिए कि रिसोर्सेज. आपको शॉर्ट में तो समझ आ जाएगा कि यहाँ पे किसके बारे में बात की. रिसोर्सेज हम क्वालिटी, पीपल, टाइम ये ले सकते हैं.
अगर अपने पास एडिक्वेट रिसोर्सेज हैं तो हमारा डिसीजन बेस्ट हो सकता है। सेकंड फैक्टर है टीम कमिटमेंट। बच्चे किस तरह का डिसीजन है, क्या वो सिर्फ लीडर ले रहा है, ठीक है, तो टीम कमिटमेंट की जरूरत ही नहीं है कि वो सिर्फ लीडर के ऊपर बेस्ड है और लीडर ने अपना डिसीजन ले लिया। बट अगर वो डिसीजन रिलेट करता है सबॉर्डिनेट से, ठीक है, सबॉर्डिनेट से रिलेट करता है या टीम पर इफेक्ट करता है, तो आपको कोलैबोरेटिव प्रोसेस लेनी चाहिए कि मतलब उनसे इंटरेक्शन करनी चाहिए सबॉर्डिनेट से। इससे क्या होगा कि जब सबॉर्डिनेट्स का भी सजेशन आपको मिलेगा उसके बेस पे आप डिसीजन लोगे तो वो डिसीजन आपका बेस्ट माना जाएगा और उसका रिजल्ट फ्रूटफुल होगा, बिकॉज ये हमने मिक्सअप होके लिया था। मिक्सअप होके मीन्स सबॉर्डिनेट्स की हेल्प से हमने फाइनल डिसीजन लिया था, तो इसके अंदर टीम कमिटमेंट भी आ जाता है। नेक्स्ट वन है टाइम कंस्ट्रेंट। कि टाइम क्या है, अगर आपके पास बहुत लिमिटेड टाइम है और आपने कोई बेस्ट डिसीजन लेना है, आप यहाँ पे लीडर को मैं मान के चल रही हूँ कि लीडर ने बेस्ट डिसीजन लेना है, तो फिर उसके पास टाइम बहुत लिमिटेड है, तो हम क्या करेंगे, खुद ही डिसीजन ले लेंगे। लेकिन अगर हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम है तो हम डिस्कस करेंगे एक दूसरे से, हमारी पूरी की पूरी टीम है उससे डिस्कस कर लिया है या कंसल्ट करेंगे, तो अगर सफिशिएंट टाइम है तो हमें ज्यादा जल्दी में काम नहीं करना चाहिए, जल्दी में डिसीजन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जो हड़बड़ी में डिसीजन लिया होगा ना वो हमेशा गलत ही बनता है। इसलिए आपको कहा गया है कि अगर आपके पास प्रॉपर टाइम है तो पूरा सोच समझ के कंसल्ट करके ही आप डिसीजन को लीजिए, तो ये हो जाएगा हमारा टाइम कंस्ट्रेंट। क्लियर हो गया है? तो ये थे हमारे 3 फैक्टर्स। अब आ गया है लीडरशिप स्टाइल। लीडरशिप स्टाइल के अंदर फर्स्ट वन है ऑटोक्रेटिक। बच्चे ये इनको शॉर्ट में ये इस तरह से इनके कोड वर्ड्स बोल सकते हो आप कि ऑटोक्रेटिक को A1 नेम दे दिया। अब ऑटोक्रेटिक A1 क्या है, इसके अंदर लीडर जो है वो खुद ही डिसीजन लेता है, वो सबॉर्डिनेट से कुछ भी डिस्कस नहीं करता है, मींस वो सेंट्रिक अप्रोच हो गई है, ऑटोक्रेटिक हो गई है, उसे किसी से भी कोई भी इनपुट लेने की नीड नहीं है, तो उसको हम बोल देते हैं ऑटो। ये ऑटोक्रेटिक A1 था। अब ऑटोक्रेटिक A2 है, इसके अंदर क्या है, वो सबॉर्डिनेट से थोड़ा बहुत हेल्प लेता है, थोड़ा बहुत सुझाव ले लेता है, तो इसके अंदर आप बोलोगे कि ऑटोक्रेटिक A2 के अंदर जो लीडर है वो थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है सबॉर्डिनेट से, लेकिन वो सबॉर्डिनेट का रिजल्ट माने ना माने वो उस पर डिपेंड है। तो नेक्स्ट वन है कंसल्टेटिव। अब कंसल्टेटिव के अंदर क्या होगा, मान लीजिए आपने 4-5 आपके सबॉर्डिनेट्स हैं, आप 1-by-1 सब सबॉर्डिनेट से डिस्कस करते हो, आप उनको मिक्सअप ग्रुप के अंदर नहीं बुलाते हो, 1-by-1 इंडिविजुअल लेवल पे आप सबके साथ डिस्कस करते हो, अपने हेल्पफुल जो फॉलोअर्स हैं सबॉर्डिनेट्स हैं, और फिर उन सब की बातों को एक साथ रख के जो डिसीजन आपको बेस्ट लगता है वो डिसीजन ले लेते हैं, तो उसको हम बोल देते हैं कंसल्टेटिव। यहाँ पे आपने इंडिविजुअल लेवल पे कंसल्ट भी किया और आपस में ग्रुप में अगर आप करते तो हो सकता है कोई कन्फ्लिक्ट बन जाए, इसलिए आप कन्फ्लिक्ट नहीं चाहते हो, तो इसलिए 1-by-1 हमने एक एक अपने सबॉर्डिनेट से सजेशंस मांगे और उन सभी सजेशंस को कंबाइंड करके एक लीडर अपने बेस्ट डिसीजन पे चल जाता है, तो वो स्टाइल होता है कंसल्टेटिव स्टाइल। क्लियर है? नेक्स्ट वन है कंसल्टेटिव C2। अब इसके अंदर क्या होगा कि लीडर अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ अपनी प्रॉब्लम को शेयर करेगा एज ए ग्रुप। यहाँ पे कंसल्टेटिव C1 में हम इंडिविजुअल लेवल पे लेके चल रहे थे, लेकिन कंसल्टेटिव C2 के अंदर हम सबको कंबाइंडली बिठा रहे हैं, ग्रुप के अंदर लेके चल रहे हैं और उसके बाद उनसे हम डिस्कस कर रहे हैं। अब वो यहाँ पे फॉलोअर्स या सबॉर्डिनेट्स के सजेशंस को माने या ना माने वो लीडर पे डिपेंड करता है, ठीक है। अगर उनको लगता है कि बेस्ट है तो वो उन डिसीजंस को फॉलो कर भी सकता है, तो ये पूरे का पूरा लीडर के ऊपर ही डिपेंड होता है। नेक्स्ट वन है ग्रुप G2। इसके अंदर G2 में भी एज ए ग्रुप ही वर्क करते हैं, लेकिन यहाँ पे लीडर पे ही पूरा डिपेंड नहीं है, ये सब मिलके एक डिसीजन पे पहुंचते हैं। इट मींस इसके अंदर सबॉर्डिनेट का पूरे का पूरा कंट्रीब्यूशन होता है किसी डिसीजन को या किसी डिसीजन को फाइनल करने के अंदर। आई होप ये पॉइंट आपको समझ आ गई है। क्लियर है बच्चे? तो ये थे हमारे स्टाइल्स। ओके, आप
7 क्वेश्चंस हैं, वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बार हम शॉर्ट के अंदर उनको डिस्कस कर लेते हैं। अब ये 7 क्वेश्चंस हैं, इन 7 क्वेश्चंस के बेस पे एक लीडर डिसीजन लेता है, तो वो हम 1 by 1 स्टडी करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है, इज द क्वालिटी ऑफ डिसीजन इम्पॉर्टेंट, कि जो हमने क्वालिटी ऑफ डिसीजन, मैंने अभी बताया था कि इंफॉर्मेशन कहाँ से ले रहे हैं, रिसोर्सेज कहाँ से हैं, तो वो इम्पॉर्टेंट है जो हमने रिसोर्सेज लिए हैं, जो पीपल हैं, इंफॉर्मेशन है, ठीक है। नेक्स्ट वन है, इज टीम कमिटमेंट टू डिसीजन इम्पॉर्टेंट, टीम का कमिटमेंट हमने डिस्कस किया था कि अगर सिंपल इंडिविजुअल लेवल पे है तो हमें टीम की कमिटमेंट की नीड नहीं है, लेकिन अगर टीम का भी रोल है, टीम के बारे में भी है, तो हमें कोलैबोरेटिव प्रोसेस रखनी चाहिए। 3 फैक्टर्स के बारे में बात हुई थी, तो वही सेकंड फैक्टर है कि क्या टीम का कमिटमेंट इम्पॉर्टेंट है। फिर है, डू यू हैव इनफ इंफॉर्मेशन टू मेक डिसीजन एट ऑन लेवल, क्या आप अगर सिर्फ अपने लेवल पे, टीम की आपको नीड नहीं है, तो क्या आप अपने लेवल पे आपके पास इनफ इंफॉर्मेशन है डिसीजन को लेने की। नेक्स्ट वन है, क्या प्रॉब्लम जो है वो वेल स्ट्रक्चर्ड है, आपको लगता है कि जो मैंने प्रॉब्लम मानी है, जो हमने ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है, क्या वो प्रॉब्लम सही मायने में है भी या नहीं है। नेक्स्ट वन है कि जो भी डिसीजन आप ले रहे हो, क्या वो टीम आपको सपोर्ट करेगी। नेक्स्ट वन है, डज टीम शेयर ऑर्गेनाइजेशन गोल, क्या जो टीम है उसके साथ आपने ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं उनको डिस्कस किया है, तभी जब डिस्कस करेंगे तभी तो इंफॉर्मेशन के बारे में कुछ पता चलेगा। नेक्स्ट वन है, क्या कोई कन्फ्लिक्ट आ जाएगा अगर आप कोई डिसीजन लेते हो, तो उस डिसीजन से क्या आपकी टीम के अंदर कन्फ्लिक्ट आ सकता है या नहीं। तो इनके सबके आंसर्स यस और नो में होंगे, प्लीज ध्यान से समझिएगा। मैं कहती हूँ कि क्या क्वालिटी डिसीजन की इम्पॉर्टेंट है, तो आप बोलोगे यस। अगर डिसीजन की क्वालिटी की डिसीजन क्वालिटी इम्पॉर्टेंट है, तो आप बोलोगे यस। यस तो फिर आगे 2 ऑप्शंस हो जाएंगे कि क्या टीम कमिटमेंट टू डिसीजन इम्पॉर्टेंट, क्या टीम का डिसीजन का कमिटमेंट इम्पॉर्टेंट था। 2 ऑप्शंस हो सकते हैं कि या यस होगा या नो होगा, ठीक है। पहले मैं क्वालिटी के बारे में बात करती हूँ, यस है तो फिर वो आगे सब पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, अगर नहीं है तो नहीं है, तो यहाँ पे ही बात खत्म हो गई, ठीक है। उसके बाद कि टीम कमिटमेंट जो डिसीजन है वो इम्पोर्टेंट है, तो आप बोलोगे यस है, तो फिर ठीक है, एक ऑप्शन आ गया। अगर है तो फिर आगे हम डिस्कस करेंगे कि जो कमिटमेंट इम्पोर्टेंट है उसके बारे में इंफॉर्मेशन अपने लेवल पे डिसीजन लेने के लिए, तो वो होगा यस या नो, दो ही हो सकते हैं कि या तो वो अपने लेवल पे डिसीजन ले ले या वो ना ले। तो आप बोलोगे अगर ले सकते हैं तो आप बोलो यस, अगर नहीं ले सकते तो आप बोल दीजिए नो, क्लियर है। फिर क्या प्रॉब्लम वेल स्ट्रक्चर्ड है, अगर वो अपने तरफ से डिसीजन नहीं ले सकते हैं, तब ही आगे पॉइंट आएगा कि जो प्रॉब्लम है, अगर उसने अपनी तरफ से ही ले ली तो फिर तो प्रॉब्लम के बारे में स्ट्रक्चर करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो खुद ही डिसीजन ले रहा है, तो फिर टीम की जरूरत नहीं है। जब टीम की जरूरत नहीं है तो प्रॉब्लम का वेल स्ट्रक्चर हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ब्लैंक कर दिया। लेकिन अगर कमिटमेंट टीम की जरूरत नहीं है तो फिर आगे देखेंगे कि यस और नो, 2 ऑप्शंस आ रही हैं। यस नो ऑप्शंस के बाद, इफ यू मेक डिसीजन योरसेल्फ वुड टीम सपोर्ट इट, अगर इनफ इंफॉर्मेशन थी अपने लेवल पे, तो फिर आगे पॉइंट आ जाएगा यस और नो, इसके अंदर 2 ऑप्शंस बन जाएंगे। अगर यस आता है तो हम A2 स्टाइल को लेके चलेंगे। A2 स्टाइल कौन सा था, ऑटोक्रेटिक सेकंड पार्ट, जिसके अंदर उसके पास इनफ इंफॉर्मेशन थी अपने लेवल पे, लेकिन फिर भी वो सबॉर्डिनेट्स के साथ टीम से थोड़ा सा सपोर्ट ले रहा है, इसलिए यहाँ पे मैंने A2 स्टाइल फॉलो कर दिया। अगर उसने टीम का सपोर्ट नहीं लिया तो बस ठीक है, फिर तो नो ही हो गया। अगर नो हो गया तो हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए कि क्या ऑर्गेनाइजेशन के साथ हमें गोल शेयर करना चाहिए या नहीं। अगर करना चाहिए तो आप G2 स्टाइल को फॉलो करोगे। G2 कौन सा था, ग्रुप, जिसके अंदर सबके सब मिल के बैठ के फाइनल डिसीजन लेंगे। और नेक्स्ट वन, अगर नहीं तो C2 हो जाएगा। C2 के अंदर जो आपका कंसल्टेटिव सेकंड ग्रुप था, स्टाइल था, उसके बारे में डिस्कस। इस तरह से हर चीज के ऑप्शंस आ गए हैं। अगर डिसीजन क्वालिटी इंपॉर्टेंट नहीं है तो फिर क्या टीम कमिटमेंट का डिसीजन, इस टीम कमिटमेंट टू डिसीजन इज इम्पॉर्टेंट, तो फिर इसके अंदर 2 पॉइंट्स हो जाएंगे कि यस और नो। अगर नहीं है तो बात ही खत्म होगी। अगर इम्पॉर्टेंट है तो फिर हमें यहाँ पे
टीम का सपोर्ट लेना पड़ेगा। तो टीम का सपोर्ट आपने लेना है या नहीं लेना, अगर लेना है तो आप स्टाइल फॉलो करोगे A1 ऑटोक्रेटिक का, और अगर नहीं लेना है तो फिर आप स्टाइल फॉलो करोगे G2 का। तो इस तरह से ये मैंने 2 आपको ऑप्शन समझा दिए हैं, और इसी तरह से ये सारे के सारे ऑप्शंस जो क्वेश्चंस के हैं आंसर्स यस और नो में आएंगे, तो ये आप देख लीजिएगा। तो अब आई होप आपको कंटिंजेंसी मॉडल समझ आ गया होगा। अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर। प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे। गॉड ब्लेस यू।